क्या पाकिस्तान भारत से फिर युद्ध चाहता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगातार सीज फायर तोड़ रहा है। भारत की तरफ से भी उसे मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। पिछले दो दिनों में 10 पाकिस्तानी रेंजर्स मारे जा चुके हैं, लेकिन कायर पाकिस्तान रिहायशी इलाके को निशाना बना रहा है। लोग या तो घर छोड़कर रिलीफ कैंप में जाने को मजबूर हो गए हैं या फिर दहशत के साय में जी रहे हैं। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी गोलीबारी की वजह से लोगों के घरों को नुकसान पहुंच रहा है। जी न्यूज ने पाकिस्तान की करतूत को कैमरे में रिकॉर्ड किया है। जी मीडिया के दो रिपोर्टर्स ने आपके लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। इस खबर पर विश्वसनीयता के सभी पैमाने पूरे हैं। रिपोर्टर की मौजूदगी है, खबर की पुष्टि है, गवाहों और एक्सपर्ट्स के बयान हैं और तकनीकी विश्वसनीयता भी है। एलओसी पर कायर पाकिस्तान की नापाक फायरिंग। तो ये सर हमारे आग अभी तक लगी हुई है, ये रात को 8 बजे से लेकर अभी दोबारा 10 बज के अभी तक आग नहीं खत्म हुई सर। बहुत परेशानी सर, बच्चे इतनी दहशत में हैं कि बच्चे अंदर रो रहे हैं कि हमारे पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ, पीछे कहाँ लेकर जाएं। माता जी हमारी, उनकी डेथ हो गई है, संस्कार करने के लिए टाइम नहीं दे रहा पाकिस्तान। तो लगातार फायरिंग चली, एक लड़के कैजुअल्टी हो गया और माल विवेची कोठे मकान बहुत लोगों के गिर गए हैं। जान पर खेल कर जी न्यूज की जांबाज रिपोर्टिंग। फायर जो है अभी देख रहे हैं, पाकिस्तान का फायर जो है, ये पाकिस्तान की नहीं, ये फायर जो है, हम क्या फिर युद्ध चाहता है पाकिस्तान? पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, कम से कम 20-25 साल वो शांत रहा। हम ये चाहते कि ऐसा स्टेप उठाएं और उसको सबक मिले। बॉर्डर पर पाकिस्तान को झन्नाटेदार जवाब। अभी तक तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को आतंकिस्तान कहकर बुलाता है, लेकिन जल्दी उसे कायरिस्तान भी कहकर पुकारा जाने लगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर और एलओसी पर पाकिस्तान ने आम बाशिंदों को निशाने पर लिया हुआ है। पूरे खेत जो हैं इस समय खाली पड़े हैं कि आज पाकिस्तान ने जैसे ही सुबह लोग खेतों में जो है निकले, पाकिस्तान की तरफ से इस पूरे आरएस पूरा सेक्टर, अरनिया सेक्टर, सांबा सेक्टर, हीरानगर सेक्टर में लगातार गोलाबारी जो है वो की जाने लगी। पाकिस्तान लगातार रिहायशी इलाकों में गोलीबारी कर रहा है। बॉर्डर से सटे 10,000 से ज्यादा लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। और आपने आंखों से देखा कि दो हमारी कैजुअलिटी हो सकी है, एक बेरा में, एक उधर कपूरपुर में। तो दो नौजवान लड़के हमारे मारे गए हैं और 10-12 जख्मी हो गए हैं। बहुत दुख की बात है। हम ये चाहते कि ये बार बार का झंझट खत्म हो। पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, कम से कम 20-25 साल वो शांत रहा। हम ये चाहते कि ऐसा स्टेप उठाएं और उसको सबक मिले। तो इतनी बुरी कंडीशन है कि सुबह से 6:30 बजे से आई फायर शुरू है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। अब बताओ क्या करें, कहाँ जाए जनता? देखो साहब ये क्या कर रही है गवर्नमेंट, कुछ तो करे। साल के बीच में 3-4 दफा में वहाँ से गोली की वजह से भागना पड़ता है। पाकिस्तान की गोलीबारी से बचने के लिए लोग बंकर में छुपकर जान बचा रहे हैं। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे और हम भी इस समय जो है एक बंकर में यहाँ पे इस समय छुपे हुए हैं, क्योंकि इसके पार जो है जीरो लाइन का जो इलाका है, पाकिस्तान अपने क्षेत्र से लगातार जो है मोर्टार दाग रहा है। 22 MM, 120 MM मोर्टार दागे जा रहे हैं और पूरे का पूरा ये इलाका जो है ये यहाँ पे इस समय दहशत का माहौल है। लोग पिछले दो दिनों में पाकिस्तानी गोलीबारी में 6 नागरिकों की मौत हो गई और 4 जवान शहीद हो गए, जबकि करीब 50 लोग घायल हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग जारी है। पाकिस्तान ने बालाकोट के कई सेक्टर को अपना निशाना बनाया है। फायरिंग इतनी ज्यादा है कि लोग डरे हुए हैं। रात का वक्त है, लोग अपने घरों में सिमटे हुए हैं, लोगों में काफी डर का माहौल है। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी से लगे रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान मोर्टार बरसा रहा है। ये पाकिस्तान का जो है फायर जो है अभी देख रहे हैं, पाकिस्तान का फायर जो है, ये पाकिस्तान की नहीं, ये फायर जो है, हम तुरंत पाकिस्तान का फायरिंग आ रही है। पाकिस्तान की तरफ से एकदम से जो है ये मोर्टार दागे जा रहे हैं। इस समय जो है जितने लोग भी हैं, हम सारे इस बंकर के अंदर जो है भाग के छुप रहे हैं। पाकिस्तान अखनूर, आरएसपुरा सेक्टर, बालाकोट, कठुआ, सांबा, जम्मू, राजौरी और पुंछ में लगातार फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तान इतनी ज्यादा गोलीबारी कर रहा है कि बारूद की गंध हवा में घुल गई है और लोग डर के साए में जी रहे हैं। क्या पाकिस्तान की तरफ से कभी ऐसी फायरिंग यहाँ इस इलाके में हुई? मेरी ये सर 37 साल हुई है, आज तक ऐसी फायरिंग नहीं देखी। लोगों को अपने घरों में मतलब दबकर रहना पड़ रहा है और कुछ लोग सुरक्षित स्थानों पर गए हैं। दरअसल पाकिस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिला है कि वो बौखला गया है। 14 जनवरी 2018 को पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा तो भारत ने पाकिस्तान के 8 से 12 रेंजर्स मार दिए। भारत ने 5 आतंकियों को भी मार गिराया। 17 जनवरी 2018
पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा तो एक भारतीय जवान शहीद हुआ। भारत ने जवाब में 3 पाकिस्तानी रेंजर्स मारे। 18 जनवरी 2018 पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा, भारत के 2 जवान शहीद, 2 नागरिक मारे गए। और 19 और 20 जनवरी को जब पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा तो भारत ने 10 पाकिस्तानी रेंजर्स मार गिराए। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने आरएसपुरा सेक्टर के रिलीफ कैंपों में जाकर लोगों का हालचाल जाना। बड़ी बात है कि हमारी जो बीएसएफ है, जहां पुंछ के इलाके में फौज है, बड़े डट के मुकाबला कर रहे हैं और लोग भी वहां डटे हुए हैं। माइग्रेशन होने के चांसेस हैं, लेकिन जितनी माइग्रेशन हुई उससे भी ज्यादा काफी जितनी भी आवश्यकता है उसके अरेंजमेंट्स हैं, उनके रहने का, खाने का, पीने का, मेडिकल का, इवन के जानवरों के भी ट्रीटमेंट का सारा प्रबंध किया है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर अब भी रुक रुक कर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है। सीज फायर तोड़ने पर भारत भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान ने तमाम जम्मू के साथ लगते इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC के ऊपर लगातार फायरिंग की है, बेगुनाह लोगों को टारगेट किया है, आम बस्तियों को, जहां आम लोग शहरी रहते हैं उन लोगों को टारगेट किया है। और पाकिस्तान भारतीय सेना के साथ तो टक्कर ले नहीं सकता, वो गरीब लोगों को, आम लोगों को, बॉर्डर पर रहने वाले सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। मेंढर इलाके में ये राशिद मीर का घर है, पूरा परिवार जान बचाने के लिए इस कमरे में बैठा हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से कब गोला कहां आकर गिरे इसे लेकर दिलों में दहशत है। राशिद मीर को याद नहीं पड़ता कि पाकिस्तान ने ऐसी गोलाबारी कब की थी। हैवी शेलिंग जो है शुरू की हुई है और शेलिंग में जो रेंज है उन्होंने वो रेंज बढ़ा दी है। पहले हमारे तरफ इधर जो है दारगुन में नहीं आता था, लेकिन आज की और कल की शेलिंग जो है वो यहाँ तक भी पहुंच चुकी है। तो ये एक हमारा कमरा एक सेफ था, तो इसमें आगे पेड़ वेड़ थे हमारे, हमने सोचा चलो कहीं आएगा भी अगर शेल तो पेड़ वेड़ में के साथ टकरा जाएगा तो वो जो है उधर पीछे ही फट जाएगा। प्रशासन लोगों को एहतियात बरतने की सलाह भी दे रहा है और जरूरतमंदों को सुरक्षित जगहों पर पनाह भी। 2-3 दिन से बॉर्डर में जो है शेलिंग कंटिन्यूस चल रही है। कल शाम भी पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हुई थी। हमारी तरफ से लोगों से अपील है कि वो अपने घरों के अंदर रहें और अननेसेसरी बाहर ना निकलें। पाकिस्तान को हर हिमाकत पर हिंदुस्तान से जवाब मिल रहा है और आतंकी संगठनों को पनाह देने पर पाकिस्तान को अमेरिका से फटकार भी सुननी पड़ रही है। इसीलिए थकान अब्बासी और बाजवा की जोड़ी अपनी नाकामियों को बॉर्डर के शोर से दबाना चाहती है। रमेश बाली के साथ राजू केरनी, जी मीडिया।